हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। आज मैं बात करूंगा यूके वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसके फ़ीस कितने होते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और बायोमेट्रिक के लिए हमें कब जाना होता है। तो चार स्टेप में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं यूके वीज़ा एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको वीज़ा टाइप्स और एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो इस वेबसाइट पर जाके सबसे पहले अब वीज़ा टाइप्स को सिलेक्ट करें। तो जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे, आपको आपकी नेशनलिटी डालनी है। फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि रीज़न क्या है आपका यूके जाने का। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई यूके में रिलेटिव्स रहता है। अगर आपका कोई है तो यस लिखे, नहीं है तो ना लिखे। फिर नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे, आपको सामने दिखेगा स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। फिर आपको उसको क्लिक करना है। जब उसको क्लिक करेंगे तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी बहुत लेंदी फॉर्म है, 12-13 पेजेस का है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरा कैसे जाता है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर आपने एक मिस्टेक कर दिया तो फिर आपको वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस 99% या 100% हो जाता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू, वीज़ा फीस और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के बारे में। तो यूके का जो फीस है वर्ल्ड में सबसे कॉस्टलीस्ट है। ऐसा इसलिए कि यूके नहीं चाहता है उसके यहाँ कोई इमिग्रेंट आए और ओवर स्टे हो जाए, इसलिए उनका फीस सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो रेट है उसका 95 यूरो है, जो इंडियन रुपीज़ में 9,000 होता है। और अगर आपको 2 साल का चाहिए तो 32,000 देना होता है, और आपको 5 साल का चाहिए तो 60,000 के आसपास देना होता है, और आपको 10 साल का चाहिए तो 75,000 के आसपास देना होता है। तो ये काफ़ी महंगा है। तो ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये 3 हफ्ते का डिसीजन वाला है, जिसको 3 हफ्ते के अंदर डिसीजन चाहिए। लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में यूके जाना है तो अगर 24 घंटे के अंदर उसको रिव्यू चाहिए तो आपको 85,000 इंडियन रुपीज़ देना होता है। यूरो में ये रेट है, ये चार्ट है, आप दे सकते हैं। और अगर आपको 5 दिन के अंदर फैसला चाहिए तो आपको फिर 22,000 रुपया के आसपास आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को। ये जो रेट है ना, ये फ्लक्चुएट रेट है, यूरो अक्सर फ्लक्चुएट होता है। तो अगर उस समय कम रेट रहेगा तो कम लगेगा, और अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस है, ज़्यादा देकर कोई मतलब नहीं। सबका डिसीजन सेम टाइम पर आता है, और किसी को लेट होता है तो यूके गवर्नमेंट उसे बोल देते हैं, एक ईमेल आ जाता है कि आपका लेट हो रहा है। प्लस मेरे केस में भी यही हुआ, मैंने 15 तारीख को जमा किया था, 26 को मुझे यूके से एक ईमेल आया, यूके को इमिग्रेशन से, कि आपका लेंथ ऑफ स्टे क्लियर कीजिए। तो मैंने लेंथ ऑफ स्टे का ईमेल का रिप्लाई किया था, और शाम तक मुझे मेल आ गया था कि आपका वीज़ा इशूड हो चुका है। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आया वीएफएस से 28 को, और 29 को जाके मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था। स्टेप नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट जो 6 महीने का वैलिड होना चाहिए जब आप यूके जाने वाले हैं। फिर आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, जहाँ आपकी सैलरी आती है, या अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का अकाउंट, कंपनी अकाउंट। फिर अगर आप एम्प्लॉई हैं तो NOC ले लें एम्प्लॉयर से, जिसमें आपकी सैलरी, आप कितने दिन से जॉब कर रहे हैं और क्या जॉब कर रहे हो। प्लस अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो ट्रेड लाइसेंस और टैक्स का डॉक्यूमेंट लगा दें। प्लस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगा दें। अगर आप UAE में रहते हैं, रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप इजारी लगा दें, या इंडिया में भी रेंटल में रहते हैं तो रेंट का एग्रीमेंट लगा दें, या खुद के घर में रहते हैं तो लाइट का बिल और बाकी टैक्स डॉक्यूमेंट लगा दें, और यहाँ अगर खुद के घर में रहते हैं तो ट्रैवल डीड लगा दें। फिर आपको ट्रेवल अटर्नी बना के देना होता है यूके गवर्नमेंट को, इसलिए देना होता है वो कि आपको बताना होता है कि यूके में अगर जाएंगे तो आप कौन से शहर में कितने दिन रहेंगे। फॉर एग्जांपल लंदन में 4 दिन, 2 दिन एडिनबर्ग में, बाकी 2 शहरों में। तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है गवर्नमेंट को। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको फ़ोटो, ट्रेवल इंश्योरेंस, एयर टिकट और होटल देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यूके वीज़ा इशूड हो जाता है तब आपको कभी कभी ईमेल करते हैं वो लोग कि प्लीज़ शेयर योर टिकट और होटल करके। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ऐसा कोई ईमेल आता है और आप उनको टिकट देते हैं और आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद उस टिकट को कैंसिल करते हैं, तो कभी गलती मत कीजिएगा, उसको कभी भी कैंसिल मत कीजिएगा। क्योंकि आपके उनकी नज़र आपके हर एक चीज़ पे होती है। अगर आप रिकेजुअल करा रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करा रहे हैं, तो उनको ईमेल करके इन्फॉर्म कर दें कि हमने इस फ्लाइट को चेंज किया है, डेट को चेंज किया है, लेकिन कैंसिल कभी मत कराइएगा। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे कि हमें बायोमेट्रिक के लिए क्या क्या लेके जाना होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, फिर जब आपने फ़ीस भरा था तो फीस भरने के बाद आपको एक ईमेल आया होगा कन्फर्मेशन का, वो आपको रखना है।
प्लस VFS के वेबसाइट पर जब आपको अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो अपॉइंटमेंट का कॉपी रखना है, प्लस स्टेप नंबर 3 में जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे उसके एक चेकलिस्ट बना लें, प्लस कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो बना लें, उसका चार्ट उसको भी साथ में रख लें, और ये सारे एक बंच बना के आप फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल में चले जाएँ। VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट बहुत ईजी है, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आप ले सकते हैं। और रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका वेट कीजिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मालूम पड़े कि मेरा वीडियो आने वाला है। उसके बाद मेरा फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि UK वीज़ा एप्लीकेशन कैसे होता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ इसे लगे रहें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।